हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्यों अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ, मतलब जो मेरा समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तभी वीडियो आगे बनाने का कोई मतलब है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं वीडियो ज़रूर दूंगा, तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, मतलब 4:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह सुबह सोकर उठा, फ्रेश हुआ, नहाया, उसके बाद फिर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगेगी और आप भी उतनी ही मेहनत से पढ़ेंगे जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन मैं पहली बात क्लियर कर दूँ आपको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली फील दूँगा और हो सके तो फ्यूचर में जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊँ किसी चीज़ों को। अभी इकोनॉमिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं कुछ एपरेटस को या केमिकल्स को मैं अभी अफोर्ड कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। अगर साथ और सपोर्ट रहा हम सभी का तो ज़रूर आगे कामयाब होंगे और मैं प्रैक्टिकली कुछ करवाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप क्लियरली दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज समझना है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। देखिए, आप लोग 9th क्लास ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन करता है। कंबाइन करने का उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना। अब किसी भी एलिमेंट का डिज़ायर जो है दोस्तों, वो होता क्या है, तो डिज़ायर जो है उसका वो ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, मैं रिकैप करवा देता हूँ पहले। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है हमारा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तीन तरह के होते हैं, वो मैं कभी वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल आप ये सेल कॉन्फ़िगरेशन को आपने वो समझा होगा, लाइक इज ये सेल, एल सेल, एम सेल, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपने समझा होगा। तो फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकंड सेल में 1 मैक्सिमम डाल सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स को डालना है तो लास्ट सेल में 1 ही जाएगा ऑफकोर्स। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने भी इसे लिखा है, वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसकी डिज़ायर क्या है, ऑक्टेट बन जाए कैसे, एक लेकर के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इसकी डिज़ायर क्या है, एक दे करके ये भी ऑक्टेट बन जाएगा। अगर ये एक दे देगा तो इसका क्या होगा दोस्तों, अगर ये एक दे देगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी कि एल सेल में। ठीक है, और क्लोरीन अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल जिसका एम है तो इसमें भी ऑक्टेट हो जाएगा। इसीलिए ये और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल कंबाइंड के क्यों होते हैं ये तो समझ में आ गया हमको कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करते हैं। हालांकि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शंस के बावजूद कुछ एलिमेंट्स के जो है वो ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाते हैं, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर। ठीक है, तो वहां पे कवर करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग ये समझ गए कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस दोस्तों एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, पहले कुछ और रहता है और बाद में कुछ और ही प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, अब चेंज होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि सपोज दैट अगर मान लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा वो।
ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड, क्यों नहीं बनाएगा? रीजन देखिए, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कंपाउंड में हमने देखा हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन सल्फर बन जाएगा, मतलब कोई न्यू एलिमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है, मतलब किसी एक एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट नहीं बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल का एटम जो कि दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, तो ये आपस में इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, H2O, क्योंकि H है यहाँ पे और O है, तो प्रोडक्ट में भी H और O ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे सल्फर नहीं आ जाएगा, तो इन सभी चीजों के लिए अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है आई थिंक, मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, एनीवेज ओके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहने चाहिए, कुछ और नहीं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग होगी और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑक्सीजन से भी अलग होगी, यानी कि ये जो बना है हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच हैव प्रॉपर्टी इंटायरली न्यू फ्रॉम दोज ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेसेस in which new substances are formed with entirely new properties, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज पहले थी उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ठीक है, हम ये ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान होते क्या है दोस्तों, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कोई एलिमेंट जो है उसका एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होते हैं एटम्स के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस atom of one element does not change into atom of another elements, ठीक है, only rearrangement of दिख रहे हैं atoms takes place, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है पहले वाले की तुलना में, जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तुलना में किसी भी एलिमेंट से नहीं मिलती है, वो अलग होती है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो होते हैं दोस्तों, एक एलिमेंट जो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना देगा, क्योंकि वहां पे रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व हो रहा है तो सल्फर कैसे बना देगा, ठीक है, उस कंपाउंड में सल्फर नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन ही रहना चाहिए, ठीक है। तो एक एटम जो है किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम में तब्दील नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत लिखा है रीअरेंजमेंट का स्पेलिंग, ठीक है, तो एनीवे आप उस स्पेलिंग पे मत जाइए, ठीक है, रीअरेंजमेंट, आई होप कि अभी ठीक है। हाँ, तो रीअरेंजमेंट जो होता है वो एटम का होता है, ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं, अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिटा दूं मैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। तो जैसा कि हमने बोला, अब उस चीज को प्रूफ करने की बारी आ गई है कि रिएक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि डेली लाइफ में भी इस तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये मैंने जो टू और टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे टू जो लिख दिया है, इसको दोस्तों बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, बट 11th क्लास में आपको इससे मुलाकात होगी, तो ये मत समझना कि कोई न्यू चीज आ गया है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसका मतलब ये भी होता है मोल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मोल मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। हालांकि मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो एनीवे, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर मोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्यों लिखते हैं ये मैं बताऊंगा, या फिर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और वैसे भी इस चैप्टर में पढ़ना ही हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे जो है रीअरेंजमेंट सिर्फ होता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल का जो है दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स होते हैं और इनका जो होता है बॉन्डिंग 104 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री के अप्रोक्सली होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के बीच में फिट हो जाता है, ठीक है। और चूंकि ये दो मॉलिक्यूल वाटर है तो दो मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनीवे, आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड नंबर रिएक्शन में। जैसे कि सेकेंड नंबर रिएक्शन क्या है हमारा, कि कार्बन है, मान लीजिए कि कोई कार्बन का रॉड है, ठीक है, तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। अगर ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि कार्बन अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सिलिकॉन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन ही रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसी से रिलेटेड कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, कोई किसी और एलिमेंट से रिलेटेड कंपाउंड नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, और भी एग्जाम्पल्स है कई सारे, आप ये ले सकते हैं कि जिंक है और जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डाल दिया, ठीक है। जिंक हमारा, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा था, ग्रेन्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड वाले कंटेनर में डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या एक्वस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है, ये जिंक उसमें पिघल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेबोरेट होता है, मतलब यहाँ पे इवॉल्व होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन से सिर्फ एक ही सब्सटेंस नहीं बनता है, मोर देन वन सब्सटेंस भी बन सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट लिया है उसको क्या बोलते हैं और जो बना है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये दो टर्म आते हैं। तो जो भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है आफ्टर द रिएक्शंस उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में जो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहलाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट्स, एंड जो बने हैं वाटर मॉलिक्यूल उसको हमने बोला प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट मे बी वन मे बी मोर देन वन हो सकता है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है दोस्तों, तो कार्बन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिंक एंड H2SO4 आर रिएक्टेंट्स, ये सब जो है वो रिएक्टेंट्स है, और ये जो बना है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोले कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो क्या लिखेंगे हम, ठीक है। फिलहाल इसको मैं मिटा दूं, ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है उसके एग्जांपल तो मैंने दे दिए, अब इसमें दो टर्म आया है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। सो वी हैव टू राइट डाउन द हेडिंग रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच Takes part in a chemical reaction, ठीक है, chemical reaction, जो reaction में सम्मिलित होते हैं, participate करते हैं, उनको हम बोलेंगे reactants, ठीक है। और अब बारी आई हमारा प्रोडक्ट की, तो what is the definition of products, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट के लिए डिफिनेशन ये देख सकते हैं, the new substance formed, the new substance
सब्सटेंस भी ज्यादा भी हो सकता है इससे, तो सब्सटेंसेस द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड राइटिंग. समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सुधारूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, मेरा राइटिंग अजीब है. आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर इंटायरली पूरे के पूरे अलग होते हैं, इंटायरली different from the property of reactant, from the property of reactants. ठीक है, तो जो भी reactants होंगे उनसे बिल्कुल अलग ही property वाला कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा या नहीं? ठीक है, तो अब जो सवाल ये उठता है हमारे पास कि क्या सर मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या इसी टाइप का, मतलब कार्बन को जब हमने जलाया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्या और कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, केमिकल रिएक्शंस सिर्फ लैब में ही नहीं होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आपके डेली लाइफ में भी होते हैं. आप जो भी मतलब सुबह से उठ करके, सुबह से जब उठते हैं और उसके बाद जो भी दिन भर में काम करते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स ही है. जैसे वाटर, आप पानी पीते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है. खाना बनता है, खाने का बनना एक तरह का केमिकल प्रोसेस है. आप टूथब्रश करते हैं तो उसमें भी केमिकल सब्सटेंस है. खैर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे. तो केमिकल रिएक्शंस में दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आप लिख सकते हैं आप एग्जांपल में एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, मतलब आप ऐसे ऐसे किस तरह के केमिकल रिएक्शन को अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, तो उसके बारे में आप देखते होंगे. कुकिंग ऑफ फूड आप लिख सकते हैं, खाने का बनना. ठीक है, ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है. दूसरा कुकिंग ऑफ फूड के बाद आप ये देख सकते हैं रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि कोई आम का सीजन है, लीची का सीजन है, खूब खाते होंगे आप. ठीक है ना, तो आम पकेगा तब तो खाने में मजा आएगा ना. तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब जो भी फल होते हैं उसका पकना. ठीक है, ये हो गया आपका बर्निंग ऑफ पेपर, मतलब देखिए जला आप किसी भी चीज को जला रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन ही आएगा. ठीक है, किसी भी चीज को, वैक्स को जलाएं, किसी भी चीज को जलाएं, तो बर्निंग ऑफ पेपर या वैक्स. ठीक है, वैक्स और फ्यूल्स, आप किसी फ्यूल्स को जला रहे हैं, जैसे कि बाइक में पेट्रोल जलाते हैं, स्टोव में केरोसिन ऑयल जलाते हैं, इंडस्ट्री में कोयला भी जलाया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट वगैरह में कोयला जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है ना, वैक्स फ्यूल्स का जलना, ये सब हो गया. उसके बाद और भी कई सारे चीज़ें, हाँ आपका सावरिंग ऑफ मिल्क, आप गर्मी का सीजन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है. ठीक है, तो दूध जो है अगर आप ना उबाले, ठीक है, तो क्या होगा, वो फट जाता है. ठीक है, तो खट्टा हो जाता है वो, मतलब बेकार हो जाता है. ठीक है, यूजलेस हो जाता है, तो सावरिंग ऑफ मिल्क. उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही का बनना. ठीक है, ये भी केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि दूध से प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है दही का. तो दही क्या है, प्रोडक्ट है, दही बाद में बना है ना दूध से, तो दूध हो गया रिएक्टेंट और जो दही बना है वो हो गया प्रोडक्ट. ठीक है, ये चीजें हैं. उसके बाद आप ये लिख सकते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड हो ही गया है, काफी है. ठीक है, हाँ एक और चीज, ग्रेप्स जो होते हैं उससे अधिकतर वाइन बनाए जाते हैं, अल्कोहल बनाए जाते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आप लिख सकते हैं टू फॉर्म अल्कोहल्स. ठीक है, एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजें, तो ये सब जो है डेली लाइफ में हमको दिखने को मिल जाता है. ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि हाँ केमिकल रिएक्शंस जो है केवल मतलब लैब में ही नहीं हो सकते हैं, ये हमारे घर पे भी होते हैं, खाना बनाते ही हैं. ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है घर पे मोमबत्ती आप जलाते हैं, मोमबत्ती का जलना भी केमिकल रिएक्शन ही
माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है वो हो चुके हैं और मैंने बता दिया केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जब इतने सारे एग्जांपल्स हम देख लिए हैं तो अब सवाल ये उठता है हमारे पास, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हुआ है, यानी कि कुछ तो उसके प्रॉपर्टी, कुछ तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, कुछ तो उसके गुण होते होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, आप जिस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स बना, तो सीधे ये ऐसे रिएक्शंस नहीं होते, बीच में बहुत कुछ उनके साथ हुआ रहता है। ठीक है, तो वो सब चीजें तो काफी कॉम्प्लिकेट चीज है, लेकिन ऐसे कुछ चीजें बताइए सर जिसको हम मतलब देख कर या समझ कर ये बता सके कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जैसे कि कितना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वो हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब चीजें रिलीज कर सकते, मतलब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम बताने की कोशिश करेंगे जो जो आसानी से ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस तरह के पांच कैरेक्टरिस्टिक है, पहले आप हेडिंग लिख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और नहीं लिखे हैं क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शंस के जो है अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं क्या क्या है। तो देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस को पहचान लेते हैं हम लोग ऐसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन से होने के बाद गैस का फॉर्मेशन होता है, तो कोई ना कोई गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब होता है निकलना। ठीक है, इवॉल्व और इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब होता है आना और इवॉल्व मतलब होता है जाना, निकलना। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैस भी आप बोल सकते हो इसको, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस निकल सकता है। ठीक है, तो गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो कलर भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि हो सकता है पहले सॉलिड रहा हो, बाद में हो सकता है लिक्विड या गैस बन सकता है। फिजिकल स्टेट तो आप जानते ही होंगे, मैटर के, मैटर चैप्टर में पढ़ाई होगा, मैटर के मेनली थ्री स्टेट्स होते हैं और जनरली फाइव होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से भी आप देख सकते हैं फॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। और जो फाइव नंबर आता है वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बदल सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, दो ही चीज हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने के अकॉर्डिंग दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। एनीवे सबके मैं एग्जांपल्स दूंगा और डिटेल्स में इसको मतलब बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो इवोल्यूशन ऑफ क्या है, गैसेस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने नोट करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी हम पहचान सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में कुछ एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जैसे कि आप जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। ठीक है, जिंक का ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, जिंक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 से इसको रिएक्ट करवा दीजिए। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 आप डाल दीजिए। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो H2SO4 है ये क्या करेगा, जिंक को घुला लेगा। ठीक है, और एक कंपाउंड के तौर पर घुलाएगा ZnSO4। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, इसीलिए आप चाहे तो यहाँ पे जी लिख दे ब्रैकेट के अंदर, जी स्टैंड्स फॉर गैस, या फिर आप ब्रैकेट में ही आप ऐसे एरो दे दीजिएगा तो लोग समझ लेंगे कि वो गैस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट को या तो ब्रैकेट में आप पीपीटी लिख लेना। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में नीचे की तरफ तीर देकर के लिखना, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो कंटेनर के नीचे बॉटम वाले हिस्से में जम जाता है। ठीक है, ये हो गया, और ये क्या है हमारा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है।
तो देखा हमने कि गैस का इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, तो ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आप एग्जांपल नंबर सेकंड। अच्छा, आप H2SO4 की जगह पे आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक है, अगर हमने डाइल्यूट HCl ले लिया, मैं बताऊंगा ये 2 क्यों लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप डाइल्यूट भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो डाइल्यूट HCl जब लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड एक्वस बनेगा, साथ ही साथ यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं जिंक के जगह पे सिल्वर गोल्ड ये सब रख दूं तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ये सब की जानकारी आपको केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होते हैं जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं उससे मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, क्या सर मेरे पास जिंक का ही एग्जांपल है? नहीं सर, जिंक का एग्जांपल ही नहीं है, मैग्नीशियम है। देख लीजिए, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। चलो, हाइड्रोजन गैस तो हमने बहुत निकाल दिया, अब क्या करते हैं, कुछ और गैस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं पढ़ाऊंगा भी एसिड बेस और सॉलिड सॉल्ट चैप्टर में कि जब कि मेटल का कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करता है अगर एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, ठीक है, तो बनता है उसके सॉल्ट। जैसे यहाँ पे मेटल है हमारा सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इन सभी रिएक्शंस में कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, ठीक है, आई होप दिख रहे होंगे आपको वीडियो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा, तो हर एक चीज, अच्छा रिएक्टेंट्स क्या है, तो पहले वाले रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट है। सेकेंड रिएक्शन में जिंक और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट्स है, और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट्स है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थर्ड रिएक्शन में, ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट्स है, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स है। अब इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के कंपैरिजन में देखिएगा तो बिल्कुल अलग होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी ये रख रहा होगा वो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं रखेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, जब ये रिएक्ट किया HCl के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो 3 है और रिएक्टेंट्स जो है वो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि गैस, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से कोई गैस रिलीज होता है तो वह भी एक तरह का सिंबल है, एक तरह का इंडिकेशन है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर मैंने क्या बोला था कि जब गैस का इवोल्यूशन होगा, तो सेकेंड नंबर मैंने बताया होगा टॉपिक की प्रेसिपिटेट, नंबरिंग थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा कि क्या है वहां पे। तो सेकेंड नंबर में आपका अगर मैं बता दूं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो चलेगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, मैं इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, आप ये बोल सकते हो अ सॉलिड प्रोडक्ट, अ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड इट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में नहीं घुलता है, इट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन एंड टेक बॉटम पार्ट ऑफ द कंटेनर, ये नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, टेक बॉटम पार्ट ऑफ द कंटेनर ऑफ पार्ट ऑफ द वेसल, वेसल भी बोल सकते हो, वेसल का मतलब होता है तो कंटेनर, ठीक है। तो वेसल जो भी, जिस भी वेसल में यूज कर रहे हैं उसके नीचे, निचली वाली सतह पे जो है जाके जम जाता है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना, ठीक है, और वो सॉलिड प्रोडक्ट उस लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं घुल पाया, अब नहीं घुल पाएगा तो क्या होगा, वो जाके नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं दोस्तों वो ज्यादा भारी होते हैं लिक्विड से, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेट उसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल दे करके बताना चाहेंगे, ठीक है, कैसे कैसे वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हम जो है प्रेसिपिटेट वाले में देखेंगे, जैसे मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, ये आपको वाटर के टाइप का दिख जाएगा, और लीड नाइट्रेट होता है, लीड नाइट्रेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है,
ये जो होता है ये भी कलरलेस होता है। अलार्म बज गया था मेरा उठने का टाइम अभी ये है और मैं बहुत पहले ही उठ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक वो लेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है, कलरलेस है। अब होगा क्या, इस रिएक्शन के बाद जो है दोस्तों वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है PbI2 यानी कि लीड आयोडाइड जिसको हम बोलते हैं, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, इसको आप PbT कह सकते हैं और इसका एक कलर होता है, तो आप लिख ले उसके कलर का भी नेम, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन में जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो रिएक्टेंट्स है, और प्रोडक्ट क्या क्या है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें से जो बने हैं प्रोडक्ट उसमें से एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो इस सॉल्यूशन में नहीं घुलते हैं, तो क्या होंगे, ये कंटेनर के नीचे बैठ जाएंगे और ये जो है दोस्तों वो पीला कलर का होता है। ठीक है, तो ये लो प्रेसिपिटेट इसको हम बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको कि बेरियम क्लोराइड है और ये जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट सॉलिड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसको हम व्हाइट PPT बोल सकते हैं, PPT मींस बताया था ना मैंने आपको, प्रेसिपिटेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो है 2HCl ये जो है हमारा सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे इसमें कि रिएक्टेंट्स बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड है और बेरियम सल्फेट जो है वो बना हमारा, साथ ही साथ HCl का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो HCl और बेरियम सल्फेट क्या है, प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो रिएक्टेंट्स क्या, प्रोडक्ट क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट फिर से मैं बता दूं, प्रेसिपिटेट वो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं जो सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है उस लिक्विड के अंदर बहुत ही कम होती है, ये घुलते ही नहीं है, समझ में आ रहा, घुलना मिलना नहीं चाहते, वो सेपरेट रहने वाले इंसान है। ठीक है, तो आगे की ओर बात करें, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमारा क्या था, थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक था किसी भी रिएक्शन को पहचानने का कि ये क्या है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी चेंज इन कलर। हाँ, क्या कलर कैसे चेंज होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि पहले कुछ और कलर होता है और बाद में कुछ और हो जाता है रिएक्शंस के बाद। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, तो उसको एग्जांपल से करेंगे हम। ठीक है, एग्जांपल तो हर एक चीज का जो है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला जानते हो, पोटेशियम परमैंगनेट इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, तो ऐसा होगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, और इसको जब हमने सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया, अगर सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया या किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो इसका जो कलर होता है, दैट मीन्स इसका जो कलर होगा, मतलब कि पहले जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इनिशियली ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन बाद में जो है दोस्तों ये बदल जाता है और इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है, यानी कि कलरलेस सॉल्यूशन में हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट का फिल दूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास एपरेटस नहीं, तो आप इसको ऐसे समझिए ये मैंने किया हुआ है और आपको भी करवाना चाहूंगा, ये घर पे आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में के अंदर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कीजिएगा, यूट्यूब ले लीजिए या फिर टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, जिस भी तरह का होता है, ग्लास का रहना चाहिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है, बताऊंगा मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा ग्लास लेना चाहिए ताकि कंटेनर फट ना जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट का इसका सॉल्यूशन डाल देना। ठीक है, और नींबू तो आपके घर में होता है, और नींबू या ऑरेंज के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड को नींबू को ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर आप किसी कंटेनर में निचोड़ ले और उसको ड्रॉप बाय
ड्रॉप करके इसमें गिराए और उसके बाद इस सॉल्यूशन को इस मतलब कंटेनर को पकड़कर और स्टायर करें। स्टायर करने के बाद आपको क्या होगा, पता चलेगा कि इसका जो पर्पल कलर था पहले, यानी कि सॉल्यूशन किस कलर का रहा होगा, पर्पल कलर का, ठीक है। तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो है वो गायब होकर के कलरलेस बन गया, दैट मींस ये पानी के कलर का बन जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट तो घर पे करना बनता है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना। तो ये फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था, आपने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका कलर जो है वो अलग होता है, पहले पर्पल कलर होता था और फिर बाद में जो है जाके ये बदल गया कलरलेस सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा आपका, दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, तो देख लीजिए आप, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें एसिड भी है, ठीक है, और इसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, इसी को हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एसिड एसिड होगा, इसका मतलब H प्लस के पर जिस भी रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एसिडिक है, तो जब ये रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ तो जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, वो आप लिख लेंगे। हाँ, एक और बात, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका भी तो इनिशियली कुछ ना कुछ कलर होता होगा, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, कैसा कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है और फिर बाद में जाकर जो भी सॉल्यूशन बनता है यानी कि ये ग्रीन कलर का होता है। तो ऑरेंज कलर बदल गया ग्रीन कलर में जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हुए हैं जो इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के एक और तरीके है, देखना यह है कि क्या उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कलर चेंज हो गया तो भी केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर है, ये चीजें हो गई। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे बदलता है किसी भी रिएक्शन को का, और टेम्परेचर के चेंज होने पर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक वो जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि जिसके रिजल्टिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कंटेनर का वो बढ़ जाता है। सपोज दैट एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने का मैं फील बिल्कुल दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। आपने जो पहला रिएक्शन देखा था इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो उसमें सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो उसमें मैंने एक रिएक्शन दिया होगा कि जिंक था और H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो ZnSO4 बनाया, ठीक है, ZnSO4 बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। अब इस दौरान होता क्या है इसको मैं बताता हूँ। जिंक जैसे ही H2SO4 में घुलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाता है। अब होता क्या है कि एक कंटेनर है हमारा, इसमें हम जिंक के ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं, ठीक है, जिंक के टुकड़े डाले हुए। अब इसमें हम क्या करेंगे, H2SO4 को हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 को हम डालेंगे। एसिड का जब भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मे बी ये ग्लास जो है वो फूट जाए और रिएक्शन के बाद जो है आपको नुकसान हो, मतलब समझ रहे हैं, फिजिकली डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो H2SO4 को जैसे ही इसमें डालेंगे होगा क्या, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और जब आप इस कंटेनर को छूओगे ना, ठीक है, इस कंटेनर को जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, बाहर से जब छूओगे तो आपको ये हॉट फील होगा, ये करके देख लेना आपको, ठीक है, ऐसा होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है कि टेम्परेचर जो है ओवरऑल इंक्रीज कर गया है पहले वाले की तुलना में, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है इस रिएक्शन के दौरान, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। वही एक दूसरा रिएक्शन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को डाल दिया, ठीक है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अब क्या है, इसको हमको तोड़ देना है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है तो यहाँ पे आपको जो है बर्नर से जो है आपको हीट सप्लाई करना होगा, ठीक है। अब अगर इसको हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, आप देखिए इस रिएक्शन में मैंने कोई हीट दिया नहीं था, ठीक है, हीट ऑलरेडी निकल रहा था, मतलब ये जब रिएक्शन हो रहा था हीट निकला जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आप खुद दे रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन में टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर लेने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी कि यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी और यहाँ पे हो रहा था इमिशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपको हीट एनर्जी मिल रहा था और यहाँ पे आपको हीट एनर्जी देना पड़ रहा है इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। तो आप इस एग्जांपल को इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले एग्जांपल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये हुआ। साथ ही साथ इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जितना आपने हीट दिया वो तो ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो आप जब इस कंटेनर के बॉटम पोजीशन को छुओगे जहां पे ये मौजूद रहता है, ठीक है, तो वो तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है कि जो हीट लॉस करेगा वो क्या होगा, कूल होगा, जो हीट गेन करेगा वो हो जाएगा हॉट, ठीक है। तो इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो है, ये जो कंटेनर है उसी से तो हीट, क्योंकि ये हीट तो कंटेनर को मिला और कंटेनर का हीट इसमें गया, ठीक है। आप हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये समझिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो हीट हुआ कंटेनर में ट्रांसफर, कंटेनर जो कि थर्मल कंडक्टर है, ठीक है, तो इसको हीट दे देगा। तो ये कंटेनर क्या किया, हीट लॉस किया, तो ये कंटेनर आपको कैसा फील होगा बताइए, ठंडा फील होगा, ठीक है। तो इट फील्स कोल्ड, यानी कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं उसमें हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और ऐसे रिएक्शन जिसके होने के बाद मतलब आपको उल्टा हीट मिलता है, आपको देना नहीं पड़ता है, तो उस तरह के रिएक्शन को जो है दोस्तों, उस तरह के रिएक्शन के बाद जो है वो कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसके हिसाब से दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के हिसाब से दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे फिलहाल एक फील्स के लिए, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आइदर आइदर द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर आइदर द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर कंटेनर इंक्रीजेस, या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ठीक है, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है, या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ठीक है। अब इंक्रीजमेंट होगा टेम्परेचर में और डिक्रीजमेंट होगा टेम्परेचर में, तो ये दो केस बना। अब इन दोनों केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स वैसे मैं आपको हर एक चैप्टर के बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो पढ़ रहे हो उसको कम से कम नोट कर लो, ठीक है, ये चीजें हैं। तो हम दो तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे there are two types of chemical reactions। किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन दो तरह के नहीं होते, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बेस पे यहाँ पे, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बेस्ड ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे सही रहेगा, बेस्ड ऑन चेंज इन टेम्परेचर को आप शॉर्ट में TEMP लिख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पहले रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। एक होता है हमारा एंडोथर्मिक, क्या होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट हम सप्लाई करते हैं, मतलब आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके डेफिनेशन को कि दोज रिएक्शंस, वीडियो लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, ए बी एस ओ आर बी डी, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ई एल डी ओ टी एच ई आर एम आई सी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, इसके दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कंटेनर जो वेसल होते हैं वो, द कंटेनर फील्स कोल्ड, कंटेनर जो है वो हमको कोल्ड फील होगा, दैट इज, इसका ये मतलब हुआ, देख लेना आप लोग, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा हमारा पे, घट गया है, ठीक है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की पहचान है कि हम उसको हीट देते हैं इस तरह के रिएक्शन में, ये अपने आप नहीं होते हैं, जब तक आप हीट सप्लाई नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन होगा ही नहीं। दैट मींस कि ये हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जो अपने आप नहीं होते हैं जब तक कि इसमें हम लोग हीट एनर्जी ना सप्लाई करें, ठीक है। दैट मींस कि ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस में यही फर्क होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जिस भी रिएक्शन में
मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद होता है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता ही है, लेकिन ये तो खुद ब खुद हो नहीं रहा है, इसमें हमको हीट एनर्जी देना पड़ रहा था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अच्छा, पहले तो एग्जाम्पल तो नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, रिएक्शन के बाद में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। पूछता है एग्जाम में, 10th क्लास के हो तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, लाइमस्टोन का एक नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, तो ऐसे पूछ देगा। तो लाइमस्टोन है, अब इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं। हीट को ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है, अगर हम यहाँ पे ये जो एरो है इस पे अगर हीट ना लिख करके हम सिर्फ ये लिख दे, ट्रायंगल बना दे, तो इसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी आप दे रहे हो। ठीक है, तो हीट एनर्जी जब सप्लाई करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और इसका केमिकल नेम तो आप जान ही रहे हो, जैसे कि इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। तो क्वेश्चन में आपसे इस तरह का पूछता है, ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्विक लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपने देखा कि इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हीट हमारे द्वारा सप्लाई किया गया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है, यानी कि चेंज इन एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव आता है। दैट मींस कि जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, हीट दिया है। ठीक है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके तभी तो ये इसमें टूटा है, इसका मतलब इसका हीट एनर्जी जो है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ऑलरेडी कंटेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या डेल्टा एच, किसी का भी डेल्टा एच का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं। ये प्रोडक्ट है तो इसके कुछ एनर्जी होंगे, जो फाइनल हीट एनर्जी होगा HF मान लो आप, और ये जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियली कुछ हीट रहा होगा। ठीक है, तो आपने हीट इसको दिया तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का हीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा है, हीट प्रोडक्ट का हीट ज्यादा है और रिएक्टेंट का कम है, तो डेल्टा एच का मतलब होता है फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। तो बड़े में से अगर छोटे को आप घटाओगे तो ओवरऑल क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस हो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज होता है, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगा आफ्टर द रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बी नंबर रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। वहां पे क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान देना, रिलीज्ड। ठीक है, द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि कंटेनर, जिस भी कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा होगा ना, वो कंटेनर जो है वो बाहर से जब आप छूओगे तो आपको गर्म फील होगा, हॉट फील होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा एंड वेसेल फील्स अस हॉट। ठीक है, कैसा फील होगा, हॉट। इसीलिए सावधानी से आपको छूने की जरूरत है, अगर आप रिएक्शन को पता करना चाहते हैं तो मैं इसका फील दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स लिखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक्सोथर्मिक के पहले आप डिफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जाकर एग्जाम्पल दूंगा इसका। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होते हैं एग्जाम्पल्स।
तो हीट एनर्जी जिसमें रिलीज होता है या फिर रिएक्शन के बाद अगर कंटेनर आपका पहले से ज्यादा गर्म हो जाए तो समझ जाइएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं, तो जैसे जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, और इसको हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया। ठीक है, तो होगा क्या, आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, H2 गैस भी रिलीज हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, और इसी हीट के कारण वो जो कंटेनर है आपका, जिस वेसल में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, उससे हीट निकलता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है ये ऐसे होता है, देखिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फील दूंगा। ठीक है, आपने इससे पहले क्या किया था कि जिस भी कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट था उसको हीट दे करके आपने गर्म किया, फिर जाके वो टूटा, यानी कि उस प्रोसेस को होने के लिए आपको हीट देना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होगा आपको, रूम टेम्परेचर पे, मतलब जैसे कि हम जिस रूम टेम्परेचर पे अभी हैं, ठीक है ना, उस टेम्परेचर पे हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, और उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डाल देंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे तो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और इसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही डालेंगे रिएक्शन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन होगा तो आप देखना, आप पहले जब कंटेनर में जिंक था तब तो आप कंटेनर को छुए, ठीक है ना, तो उसकी टेम्परेचर तो आपको पता रही होगी। ठीक है, अब जब रिएक्शन हुआ उसके बाद छूकर देखना, आराम से छूना, ठीक है, केयरफुली, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट निकलता है। हो सकता है अगर ज्यादा अमाउंट में रिएक्शन हुआ होगा तो ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो आपका हाथ जल सकता है, प्रिकॉशंस पहले समझ लो। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि हीट जो है, मतलब ये जो तुम्हारा ग्लास जो है वो हीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाए हीट के रिलीज होने के कारण, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि एंडोथर्मिक का हमेशा पॉजिटिव था, डेल्टा एच वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। दैट मीन्स कि डेल्टा एच जो है लेस देन यहाँ पे जीरो होगा। कैसे, तो मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसका एंथैल्पी HF है, फाइनल एंथैल्पी, ठीक है, फाइनल एनर्जी भी कह सकते हो आप, और ये जो है ये इनिशियली एनर्जी है। और मैंने बताया था डेल्टा एच बराबर होता है फाइनल हीट एनर्जी माइनस इनिशियल हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है, तो इसका वैल्यू निगेटिव कब आ सकता है, जब आपका फाइनल एनर्जी जो है कम हो इनिशियल वाले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा एनर्जी था तभी तो वो रिलीज किया, समझिए इस बात को, इसके अंदर पहले ही से जब एनर्जी रहा होगा तभी तो वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया है ना। तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है, ऑफ कोर्स इसके पास ज्यादा एनर्जी है, यानी कि इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन जो है वो आपका हॉट फील होगा। ठीक है, इस रिएक्शंस के दौरान आपको हॉट फील होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पढ़ा चेंजिंग टेम्परेचर के बाद, और लास्ट में टॉपिक पढ़ाऊंगा आज का, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंजिंग फिजिकल स्टेट। ओके, तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, काफी लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं है, सब्र के साथ देखिए। ठीक है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि कभी कभी जो है किसी किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है फिजिकल स्टेट में भी बदलाव आ जाता है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। आप मोमबत्ती जलाओ, आप मोमबत्ती जलाओगे तो मोमबत्ती जो है वो, मुझे फिगर ज्यादा अच्छे तरीके से बनाने नहीं आता, फ्लेम है, ठीक है, मान लीजिए कि फ्लेम है, फ्लेम के तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी है, एक कैंडल है, इसको आपने जलाया, इसको जलाइएगा तो क्या होगा कि ये जो है आपका वैक्स है, ये जो है वैक्स है, तो वैक्स क्या होता है, सॉलिड, तो यही है आपका रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन ले रहा है, वैक्स ले रहा है। ठीक है, तो आपका रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट जो है वो वैक्स है। ठीक है, तो वैक्स हमारा रिएक्टेंट है। अब जब ये जलेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया दोस्तों, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होता है क्योंकि आपको हॉट फील होता होगा। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो हम समझ गए। अब होता क्या है रिएक्शन के दौरान कि जैसे ही आपने इसको माचिस से जलाया तो क्या होगा, ये मेल्ट करवाएगा, यानी कि साइड वाले जो वैक्स है उसको क्या होगा, मेल्ट करवाएगा। ठीक है, यानी कि साइड वाला जो मोम है पहले पिघलता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में जाता है, फिर जाकर के ये गैसीय स्टेट में आ जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमने क्या देखा कि सॉलिड था, ठीक है, लिक्विड बना और फिर जाके गैस बना, यानी कि रिएक्शंस के दौरान जो है वो फिजिकल स्टेट भी बदलते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा, मतलब क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मैं बताता हूँ, आपने ये रिएक्शन तो देखा है अभी जस्ट एंडोथर्मिक में, कैल्शियम कार्बोनेट था और इसको मैंने हीट किया तो कैल्शियम
ऑक्साइड बना, ठीक है, ये भी सॉलिड था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। तो हमने देखा कि सॉलिड से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो गैसियस स्टेट में गए हैं, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, और कुछ चीजें हैं जो सॉलिड में रह गए, ऐसे भी आप देख सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि ये जो कैल्शियम, हाँ, तो ये एग्जांपल कैसा था, एंडोथर्मिक का एग्जांपल था, ठीक है, जिसमें हीट देना पड़ा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इसको खैनी वाले दुकान, जो खैनी खाते हैं ना लोग गांव देहात में, ठीक है ना, तो खैनी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, चूना डालते हैं वो, ठीक है, तंबाकू के अंदर, टोबैको के अंदर जो है वो चूना डालते हैं, वो चूना क्या होता है, तो उसमें वो लोग कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप करके देख लेना, क्विक लाइम लेना, ठीक है, इसको कली चूना कहते हैं, मार्केट में जाना और आप बोलना कली चूना दीजिए या क्विक लाइम दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा किसी हार्डवेयर की दुकान पर, ठीक है, आप उसको कुछ मत करना, घर पे ले आओ और उसको पानी वाले बाल्टी में डाल दो, ठीक है, बाल्टी स्टील का लेना, ठीक है, कारण है प्लास्टिक का लोगे तो मे भी प्लास्टिक का गल जाएगा, क्योंकि बताऊंगा मैं भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बस यही बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ पे जो है वो सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिजोल्व होकर के एक्वस फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, जो भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, जैसा कि मैंने बताया था क्विक लाइम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोल सकते हो मिल्क ऑफ लाइम भी, ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम के नाम से भी ये फेमस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका केमिकल नेम है ही, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, तो ये स्लेक लाइन हो गया, तो ये बना। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हीट दिया ही नहीं है, यानी कि इस दौरान जब जैसे ही चूना को आप बाल्टी में डालोगे और थोड़ी देर के बाद जब आप बाल्टी को छूओगे, मतलब कंटेनर को, जिस भी कंटेनर में आपने डाला है छूओगे, तो आपको वो हॉट फील होगा, देख लेना ये करके, ये तो नॉर्मल सा रिएक्शन है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो इसके कारण होता है, ये बनता है जिसके कारण हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो जाहिर सी बात है इसका हीट एनर्जी कम होगा और इसका हीट एनर्जी ज्यादा होगा, तो रिलीज तो करेगा ही ना, और जो भी रिलीज करेगा वो निगेटिव में होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, कल हम बात करेंगे इक्वेशंस को लिखने के तरीके, आप बेसिक चीजें पढ़ के रेडी रहिएगा, तभी आपको जाके समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल बताऊंगा मैं कि किसी भी इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं इजीली वे में, साथ ही साथ इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे लिखा जाता है। इन्फॉर्मेटिव कहने का सेंस है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड, तो इसका मतलब है कि हमको पता चल रहा है ये सॉलिड है और ये एक्वस सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है, तो G4 गैस, S4 सॉलिड, S4 सॉलिड, L4 लिक्विड, ठीक है, यही सब चीज के बारे में बताऊंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप अगर उसका फिजिकल स्टेट दे दोगे ना, तो उससे रिएक्शन जो होता है वो और क्लियर हो जाता है, इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।